हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए पांच स्विंग ट्रेड लेके आया हूँ, जो आप कल से मंडे से अगर वो लेवल पे मिलते हैं, यानी जो मैंने बाइंग लेवल बोला है उसके नीचे मिले तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन ऊपर 1% तक ले सकते हो। उससे ज़्यादा अगर गैप अप ओपन होता है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ जाता है। तो ऊपर की साइड ओपन होते हैं तो मत लो, अगर स्टॉप लॉस और जो बाइंग लेवल उसके बीच में ओपन होते हैं तो सबसे अच्छा है, उससे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, तो एंट्री कर सकते हैं। तो मैं आपको पांच स्विंग ट्रेड बता दूं। उससे पहले मैं बता दूं कि कल मैंने सैटरडे को डाकोस का एक वीडियो डाला था, अगर आपने देखा नहीं तो जाके देख सकते हो। ये सबसे बढ़िया स्टॉक होते हैं डाकोस में। इसमें क्या होता है गाइज, अपने पोर्टफोलियो में आप इसको लेके रख सकते हो। अगर आप जॉब करते हो तो ये बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं। तो मैं हर सैटरडे को 3 डाकोस देता हूँ। लास्ट सैटरडे को 3 डाकोस दिए थे, उसमें से 2 डाकोस ने तो अच्छा, एक ने 10%, एक ने 20% का भी रिटर्न दिया था, वो भी 1 वीक के अंदर ही। तो बहुत अच्छे मोमेंटम स्टॉक होते हैं और इसका टारगेट भी बहुत अच्छा होता है। 3 से 12 महीने में 1x 2x का भी टारगेट होता है। तो अपने पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक भी आप रख सकते हो। अगर वीडियो देखा नहीं तो कल का वीडियो जाके देख सकते हो ये वाला। और स्विंग ट्रेड भी मैं देता हूँ, जैसे आज संडे को दे रहा हूँ, लास्ट संडे को मैंने 5 स्विंग ट्रेड दिए थे, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। नॉर्मली गाइज मोमेंटम स्टॉक होते हैं, उसमें पहला एक मैंने दिया था कैम्स, लास्ट संडे की बात कर रहा हूँ, ये जो ये वीडियो है उसके बारे में। कैम्स में क्या था, 2773 पे बोला था, 2870 गया था, अभी भी ऊपर ही ट्रेडिंग कर रहा है। डीमार्ट में बाइंग लेवल पे ये 3315 है, 3315 पे करीब बाई करा, तो उसमें मोमेंटम नहीं आए। बीबीटीसी में 1331 पे बाय बोला था, अभी 1307 चल रहा है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसका क्लोजिंग लेवल है वो 1290 का है। तो आप उसमें अगर एंट्री नहीं की तो उसमें फिर से एंट्री कर सकते हो 1307 में बीबीटीसी में। फिर रेडिको में आप मेरा वीडियो ये जाके देखोगे तो आपको बाइंग लेवल और स्टॉप लॉस लेवल भी पता चल जाएगा कि क्या क्या कहते हैं। फिर रेडिको था 767, वो भी 761 चल रहा है, वो भी अभी डाउन चल रहा है। तो गाइज इसमें टारगेट होता है वो 1 से 30 दिन का होता है, मतलब ऐसा नहीं कि एक वीक में बोला तो दूसरे वीक टारगेट आ जाए, ऐसा नहीं होता। कभी कभी 1-2 वीक नहीं भी आता, लेकिन आप सस्ता मिले तो उसमें एंट्री कर सकते हो, क्योंकि स्टॉप लॉस लेवल तो मैंने बोला ही है, उसके नीचे क्लोज तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर एक कोचिंग CPR था, उसमें अपना स्टॉप लॉस हो गया था, यानी 5 में से 1 में अपना स्टॉप लॉस हो गया था, 4 कॉल अभी भी एक्टिव है। कोचिंग CPR 402-3 पे बोला था, 395 के नीचे क्लोज दे तो एग्जिट करना था, तो वो उसमें अपने रूल्स के हिसाब से 395 के नीचे 1% अपने, यानी 392 करीब अपना स्टॉप लॉस मान सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला कि जो स्टॉप लॉस लेवल है उसके नीचे 1% जाए तो एग्जिट करो, और उसी दिन फिर से वो स्टॉप लॉस लेवल के ऊपर ट्रेड करे तो आप उसमें फिर से एंट्री कर सकते हो, यानी अच्छा स्टॉक मिस नहीं होगा आपसे। तो ये हो गए लास्ट संडे की एनालिसिस, मैंने जो 5 स्विंग ट्रेड बताए थे। अभी आज के मैं 5 स्विंग ट्रेड आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें पहला स्टॉक का नाम है MFSL। तो MFSL में बाइंग करने का रीजन क्या है गाइस, 3 घंटे की कैंडल है, इसके ऊपर अपने एनालिसिस अभी देखेंगे। MFSL स्टॉक का नाम है और एनालिसिस डेट है आज की, यानी 4 जुलाई 2021। तो पहला रीजन क्या है MFSL को बाय करने का, इसमें रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। तो आप देख सकते हो रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, यानी देखो यहाँ पे स्टॉक ने रेसिस्टेंट लिया था, फिर नीचे आया, फिर वही लेवल पर रिस्पेक्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे, यानी बार बार ये लेवल बहुत अहम हो जाता है। लेकिन फाइनली क्या किया स्टॉक ने, इसके ऊपर क्लोज दिया ये कैंडल ने, अभी फिर से वो रिटेस्ट करने आ रहा है, यानी ये डिमांड जो जोन है, मैंने आपको दिखा डिमांड जोन, वहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें अपने रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत कम है तो एंट्री ले सकते हैं। तो पहला रीजन तो वो हो गया, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। दूसरा रीजन है बाय एंड डिप्स विद ADX। आप देखोगे, आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो मैं ADX को ज़्यादा बिलीव रखता हूँ। तो देखो ADX कितना है, 25 के ऊपर है, और विलियम्स आप देखो, जब भी स्टॉक ऐसे नीचे आता है आप देखोगे तो वहाँ से स्विंग लेके ऊपर चला जाता है। तो अब इसमें भी देखो प्रीवियस ऐसा स्विंग लिया, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो इसको भी ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक का लास्ट स्विंग हो सकता है, फिर स्टॉक यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जा सकते हैं, तो अपने इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और तीसरा रीजन है ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन ने, फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया, और अभी क्या करेगा स्टॉक, अगर इनके से यहाँ से थोड़ा भी नीचे आएगा तो उसको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, और फिर स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यानी जो अपना स्टॉप लॉस लेवल मैंने ड्रॉ किया ये वाला, उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है, तो अपने इसमें एंट्री ले सकते हैं, और रिस्क भी बहुत कम है। तो कब बाय करना है ये स्टॉक को, MFSL को,
बायट सीएमपी, सीएमपी कितना चल रहा है, 1034-35 के करीब चल रहा है। टारगेट रहेगा वो 1095, फ्यूरियस जो हाई था वो, और 1150 का टारगेट रहेगा। एसएलई डेली क्लोज, गाइज याद रखना डेली क्लोज बिलो 1020। तो आपको मैं रूल समझा दूं जो लोग नए हैं, तो डेली क्लोज बिलो 1020 यानी क्या करने का, 1020 के नीचे अगर 1% ट्रेड करता है, जैसे 1020 के नीचे 1% यानी 1010 आए, तो आप उसमें से एग्जिट करो, इधर एग्जिट कर देने का। फिर अपने को पूरा दिन वेट करने का, उसको देखने का, अगर स्टॉक अच्छा होगा तो वो 1020 के ऊपर फिर से ट्रेड करना चालू करेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टॉक नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है। तो अपने को क्या करना है, 1010 पे आप एग्जिट कर दो, और उसके बाद 1020 फिर से आए तो उसमें एंट्री कर सकते हैं, और अपना जो पुराना जो जो लो मारा था वो अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। उससे क्या होगा फायदा गाइस, कि आपको अच्छा स्टॉक होगा वो आप मतलब पकड़ के रख सकते हो उसको, और मिस नहीं करोगे, क्योंकि कभी कभी वो स्टॉप लॉस खाने आता है फिर ऊपर चला जाता है, तो उससे अपने फायदा होगा। अगर स्टॉक नीचे ही चलता जाएगा और दिन में 5% गिर गया तो अपने को 5% का लॉस नहीं होगा, क्योंकि अपने 1010 पे तो निकल गए होंगे, उसके बाद स्टॉक 1020 पे आया ही नहीं, यानी स्टॉक वीक है और नीचे ही चला जा रहा, तो अपने को मतलब ये जो बड़ा लॉस होने से उससे बच जाएंगे, यानी जो ये लॉस है उसमें 1% आप ऐड कर सकते हो, यानी 1.4 है, यानी 2.4 मैक्सिमम आपको लॉस हो सकता है, उससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता। तो ये हो गई एनालिसिस, रिस्क कितना है 1.4 है मिनिमम, और रिवॉर्ड कितना 11% है, रिस्क रिवॉर्ड कितना 1.8 का है, और टाइम ओरिजिन रहेगा वो 1 से 30 दिन का रहेगा। तो ये अपना पहला एनालिसिस हो गया MFSL पे। अभी मैं आपको दूसरा चार्ट दिखाता हूँ जिसका नाम है सूर्य रोशनी। तो सूर्य रोशनी में क्या है बाइंग करने का रीजन, एनालिसिस डेट है 4 जुलाई 2021, और चार्ट रहेगा वो 3 घंटे की कैंडल के ऊपर रहेगा। तो इसमें क्या है ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट और बाय ऑन डिप्स विद ADX। तो आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन कितने अच्छे से इसको फॉलो कर रहा है ये स्टॉक। ट्रेंड लाइन को देखो, वहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 बार, ये 3री बार और अभी 4थी बार, यानी जब 3 बार से ज़्यादा होता है तो वो ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत हो जाती है, और वहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहला रीज़न हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट में स्टॉक आप देखोगे तो, और दूसरा रीजन देखो ADX फिर से जो प्रीवियस दिखाया था ऐसा 25 के ऊपर है, और ये देखो विलियम्स आर देखो आप ध्यान से -80 के नीचे, यानी ये स्टॉक का क्या हो सकता है लास्ट स्विंग, और स्टॉक यहाँ से ट्रेड करके फिर ऊपर जाने के चांसेस 80% है, और उसका जो प्रीवियस लो था वो अपना क्या रहेगा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। तो आप ये स्टॉक भी ध्यान में लेके चल सकते हो सूर्य रोशनी को। तो बाय कब करना है, CMP पे बाय करना है, 535 चल रहा है टारगेट, 570 का रहेगा, 600 का टारगेट। SL कब करना है, एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 523, 523 यानी जो एक कैंडल थी उसके नीचे क्लोज दे तो आपको एग्जिट करना है, डेली क्लोज होना चाहिए गाइस ध्यान में रखना। रिस्क कितना है बाइंग लेवल से 2.2 का, रिवॉर्ड कितना रहेगा 12% का रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:5 से भी ज़्यादा है, और टाइम ओरिजन रहेगा वो 1 से 30 दिन का रहेगा। तो ये स्टॉक भी आप ध्यान में लेके चल सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट में लगा सकते हो। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो सपोज कि 534 और 545 या तो 550 पे ओपन होता है, तो एवर 1% अगर गैप अप में होता है, जैसे 534 है तो 540 तक आप उसको बाय कर सकते हो, उससे ज़्यादा हो तो उसको एवर भी कर सकते हो। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया सूर्य रोशनी का। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेक्कन सीमेंट। डेक्कन सीमेंट बाइंग करने का रीज़न क्या है, स्टॉक का नाम डेक्कन सीमेंट है, 4 जुलाई 2021, एनालिसिस डेट है, 3 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने एनालिसिस करेंगे। पहला रीजन है रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट। तो आप ध्यान से देखोगे इधर तो स्टॉक ने यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर नीचे आया, फिर से रेसिस्टेंट लिया, फिर से नीचे आया, लेकिन नीचे आ रहा है तो साथों साथ आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट दे रहा है स्टॉक, ऐसा नहीं कि इसके प्रीवियस जो लो था उसके नीचे चला गया, ऐसा नहीं है। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, देखो फाइनली स्टॉक ने क्या किया, ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जो उसका पुराना रेसिस्टेंट था उसको सपोर्ट बना के स्टॉक वहीं पे ट्रेड कर रहा है, यानी उसके नीचे नहीं जा रहा, और यहाँ पे उसका फाइनली ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया और स्टॉक यहाँ पे ही ट्रेड कर रहा है। तो यानी ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अगर स्टॉक यहाँ पे भी बाय कर सकते हो, अगर ऐसा ब्रेकआउट दे तो भी बाय कर सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है इसमें, बाइंग लेवल देखो आप 586.7 है, और इसमें मेन रीजन क्या है ADX, आप देखो ADX फोकस करो, देखो 25 के ऊपर है, और विलियम साहब ने क्या किया है देखो -80 के नीचे, नहीं लास्ट स्विंग है स्टॉक का, यहाँ से ऊपर जाएगा।
क्योंकि आप प्रीवियस देखोगे तो यहाँ पे देखो ADX ने क्या किया है, विलियम्स का -80 आया तो स्टॉक ने क्या किया, वहां से स्विंग लेके ऊपर चला गया। फिर यहाँ पे देखो फिर से वो विलियम्स का -80 टच किया तो स्टॉक ने क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया। यानी ऊपर बार बार जाता है जब भी ऐसा होता है। और ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी, यानी चार बार सपोर्ट लिया। अभी स्टॉक क्या कर रहा है, पांचवी बार भी सपोर्ट ले रहा है। यानी स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको अपने को तीन कंफर्मेशन मिल रहा है, ये रेसिस्टेंट भी सपोर्ट बन रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है, और अपने विलियम्स आर भी बाय ऑन डिप से। देखो ADX भी अच्छा, वो 25 के ऊपर है, यानी तीन तरह से स्टॉक अच्छा है, तो अपने इसको बाय कर सकते हैं, रिस्क बहुत कम है, इसलिए अपने एंट्री ले सकते हैं। बाय एट CMP 586.7 पे बाय कर सकते हो, टारगेट 625-640 का रहेगा। SL एग्जिट डेली क्लोज बिलो 1020, सॉरी गाइज ये टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 1020 नहीं है, ये ध्यान में रखना आप, 572 है, यहाँ पे आप ध्यान में रखना, ये लेवल नहीं है 1020, गलती से वो तो क्या है लेवल अपना 572, तो आप ये लेवल ध्यान में रखना है 572 का क्लोजिंग बेसिस, उसके नीचे आप इसके नीचे क्लोज दे डेली क्लोज, तो आप इसको पाए मतलब एग्जिट कर सकते हैं। 572 के नीचे जब भी आए तो अपने को वेट करना है कि 1% 572 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप एग्जिट कर दो। अगर वो पूरे दिन में फिर से 572 गेन नहीं करता तो आप उसको छोड़ दो, तो फिर स्टॉक नीचे ही जा रहा है, तो अपने बहुत बड़े लॉस से भी बच सकते हो, तो ज़्यादा लॉस नहीं आ सकता। और 572 उसी दिन आ जाता है तो फिर से उसमें एंट्री करके जो लो मारा है प्रीवियस, उसको स्टॉप लॉस बना के होल्ड करके रख सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा, 2.5 का रहेगा, मिनिमम 9% टारगेट रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का रहेगा, और टाइम ओरिजन रहेगा वो कितना रहेगा, 1 से 30 दिन का रहेगा। तो ये एनालिसिस हो गया अपना डेक्कन सीमेंट के ऊपर। अभी मैं चौथा स्टॉक बताने जा रहा हूँ, ये भी सीमेंट सेक्टर से ही है, स्टॉक का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट, स्टॉक का नाम है हेडलबर्ग सीमेंट। लेकिन ये जो गाइस तीन मैंने बताया, MFSL, सूर्य रोशनी और डेक्कन, वो 3 घंटे के कैंडल पे थे, थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो है वो डेली चार्ट के ऊपर है, तो इस पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, सेम सेटअप था, तो मैं सोचा डेली चार्ट के ऊपर भी आपको बता दूं, क्योंकि रिस्क से अपने को मतलब है, रिस्क अगर कम है तो आप कोई भी टाइम पीरियड में ले सकते हो। तो इसमें क्या है, रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, तो आप ध्यान से देखोगे स्टॉक ने यहाँ पे रेसिस्टेंट लिया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, वही लेवल पे आके नीचे चला गया बार बार, फिर फाइनली ऊपर गया, लेकिन फिर से नीचे आ गया, और ऊपर गया नीचे आ गया, फाइनली ऊपर गया। लेकिन अभी यहाँ पे सपोर्ट लेके स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। उसके पीछे का रीजन आप देखोगे तो धीरे धीरे ट्रेंड लाइन भी उसका सपोर्ट मिल रहा है। देखो यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर स्टॉक को यहाँ पे सपोर्ट मिला, स्टॉक को फिर से यहाँ पे सपोर्ट मिला, अभी फाइनली क्या है, स्टॉक को यहाँ पे फिर से सपोर्ट मिल सकता है। यानी अपना जो स्टॉप लॉस लेवल है उसके ऊपर ट्रेंड लाइन है, यानी स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, तो अपने इसमें रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क बहुत कम है। आप देखोगे तो बायर CMP कितना 248 है, और टारगेट रहेगा प्रीवियस हाई 265-280 का टारगेट रहेगा। SL कब है, डेली क्लोज बिलो 243, अगर 243 देखो ये जो उसका मेन लेवल था पहले, वो अभी सपोर्ट बन सकता है, पहले इसका रेसिस्टेंट लेवल था, अगर डेली क्लोज 243 के नीचे दे तो अपने इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। तो रिस्क कितना है, 2.2 का रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा वो 12.6 का रहेगा, और रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है 1:5 का रहेगा, और टाइम ओरिजन रहेगा वो 1 से 30 दिन का रहेगा। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, आप देखोगे तो ADX भी देखो 25 के ऊपर है, विलियम्स का देखो पुल बैक में, यानी जब भी ऐसा होता है तो स्टॉक वहाँ से रिवर्स करता है, तो अपने को तीन कन्फर्मेशन मिल गए, इसका जो रेसिस्टेंट लेवल था वो भी सपोर्ट बन रहा है, उसका ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट देगा यहाँ से, और ADX भी और विलियम्स आर भी सपोर्ट देंगे, यानी तीन कंफर्मेशन है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप ये स्टॉक को भी फोकस में रख सकते हो, अपने वॉचलिस्ट में लगा के रख सकते हो। तो आपको मैंने इसका एनालिसिस बता दिया, बाय एंड डिप से ट्रेंड लाइन सपोर्ट में रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, तो हेडलबर्ग सीमेंट की एनालिसिस हो गई। अभी मैं आपको पांचवा और आखिरी स्टॉक बताने जा रहा हूँ जो आप अपनी वॉचलिस्ट में लगा सकते हो, और एनालिसिस एकदम सिंपल है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और एनालिसिस समझाने की आपको मतलब कहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताओ, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। अभी पांचवा स्टॉक है BBL, भारत बिजली लिमिटेड।
उसको बाय करने का रीजन क्या है ये भी डेली चार्ट के ऊपर, यानी आज को आज मैंने आपको पांच स्विंग ट्रेड बताया, उसमें तीन तीन घंटे की कैंडल पे थे और दो डेली चार्ट के ऊपर, वो ध्यान में लेके चलो आप। बीपीएल में बाय कर सकते हो, एनालिसिस डेट है वो आज की 4 जुलाई 2021 है, रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, यानी देखो सेम आपको लगेगा कि सब चार्ट एक जैसे ही लग रहा है क्योंकि पुराने दिखाए ऐसे ही है, सब में मेरी स्ट्रेटेजी सेम जैसी ही रहती है, तो आपको इजी है समझने में और अच्छे से काम करती है। क्योंकि लास्ट दो वीक पहले लास्ट संडे मैंने दिया था एक जेबी केमिकल सेम एनालिसिस पे दिया था, आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हो, 20 जून का वीडियो था वो, फादर्स डे था उस दिन का। जेपी केमिकल मैंने 1530 पे आपको बोला था, वो करीब 1900 चला गया, वो भी दो वीक में, सोचो आज 4 तारीख यानी 15 दिन हुए, दो वीक में स्टॉक ने 1530 से 1900 का सफर तय किया, तो ऐसे ही होते हैं। और इसमें भी स्ट्रेटेजी सेम थी, सेटअप भी सेम था, आप देखोगे मेरा वीडियो 20 तारीख का जाके तो आपको समझ में आएगा। तो अभी स्टॉक क्या कर रहा है, उसका जो रेसिस्टेंट लेवल था वही पे सपोर्ट ले रहा है, यानी डिमांड जोन पे, और ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट में आ रही है, देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट में, ट्रेंड लाइन ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, एक बार दो बार ये तीन बार चार बार और ये पांचवी बार, यानी कंफर्म है कि स्टॉक यहाँ से रिवर्स कर सकता है। और उसके साथ साथ ADX भी देखो 25 के ऊपर है, विलियम सर देखो -80 के नीचे, यानी स्टॉक को पूरा चांसेस है कि यहाँ पे कहीं सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर ही जाएगा, तो अपने इसमें रिस्क ले सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम है, यानी अपने जो डिमांड जोन है उसके नीचे अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यानी बायर CMB कितना चल रहा है 1226 चल रहा है, तो अपने बाय कर सकते हैं 1350 और 1400 का टारगेट लेके चल सकते हैं। SL एग्जिट इफ डेली क्लोज बिलो 1195, यानी ये जो डिमांड जोन के नीचे डेली क्लोज दे तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। रिस्क कितना है बाइंग लेवल से 2.5 का, रिवॉर्ड है 14% का, रिस्क रिवॉर्ड भी बढ़िया है 1:5 से भी ज़्यादा है। और टाइम ओरिजन कितना रहेगा, 1 से 30 दिन का टाइम ओरिजन रहेगा, ये मेन जरूरी है गाइज, ये स्विंग ट्रेड यानी नेक्स्ट वीक के लिए नहीं होता, आप पूरे महीने के लिए उसको होल्ड करके रख सकते हो। तो ये गाइज 5-4 स्टॉक के ऊपर एनालिसिस हो गया, मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ 5 स्टॉक कौन से हैं। पहला स्टॉक का नाम है MFSL, 3 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस है, सूर्य रोशनी वो भी 3 घंटे की कैंडल के ऊपर एनालिसिस बताएं, डेक्कन सीमेंट वो भी 3 घंटे की कैंडल के ऊपर है, हेडलबर्ग सीमेंट वो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस आपको समझाया, और पांचवा है वो BBL है भारत बिजली लिमिटेड, वो भी डेली चार्ट के ऊपर आपको एनालिसिस समझाया। तो गाइज अगर आपको मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है और आपको मतलब इजी पड़ रहा है और आप भी मतलब प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो और हो सके उतने चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि आपके हर तरह के ऐसे ट्रेड मिलते रहेंगे। और नेक्स्ट वीक से मैं आपको SIP स्टॉक भी बताने वाला हूँ, उसमें क्या होता है 5-7% का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन जब भी स्टॉक 2-2% नीचे आता है तो आप उसमें SIP कर सकते हो, और जो मैंने स्टॉप लॉस लेवल बताया होगा वो बहुत मतलब पक्का वाला होता है, तो वह उसके नीचे तो स्टॉक जाएगा ही नहीं और वो स्टॉक वहाँ से रिवर्स मार के ऊपर भी चला जाता है, तो आप उसमें भी एंट्री कर सकते हैं। जैसे मैंने 2 हफ्ते पहले शेयर इंडिया का बताया था 460 पे, वो स्टॉक 430 तक आ गया था लेकिन क्लोजिंग लेवल के ऊपर ही था, यानी SIP में सबसे बढ़िया था, वो स्टॉक अभी 490 चल रहा है। तो इसीलिए अभी नेक्स्ट वीक से मैं आपको SIP स्टॉक भी देता रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, और यही थे 5 अपने स्विंग ट्रेड, आप कल से मंडे से एंट्री करके अच्छा मुनाफा ले सकते हो गाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच गाइज, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, थैंक यू, बाय बाय।